दिल्ली पुलिस ने द्वारका में एक युवक की गोली मारकर हत्या करने और कंजावला में रोड रेज में दो युवकों को गोली मारने की वारदात का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने दोनों वारदात में शामिल अमन नाम के बदमाश को पकड़ा है। बदमाश से पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल हुई पिस्तौल और दो महंगी गाड़ियां भी बरामद की है। पकड़े गए बदमाश पर कई मर्डर केस दर्ज हैं। यूपी के शाहजहांपुर में एक पंचायत सदस्य की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक यह हत्या चुनावी रंजिश में हुई है। पुलिस ने इस मामले में सोमेंद्र सिंह समेत कई आरोपियों पर केस दर्ज किया है। कानपुर के रसूलाबाद में एक पुलिसकर्मी पर थाने में ही एक नाबालिग से रेप का आरोप लगा है। 15 साल के पीड़ित के मुताबिक 7 जुलाई को भूपेंद्र राठी नाम के दरोगा ने उसे थाने में रेप किया और धमकी देकर चुप रहने को कहा। कानपुर के आईजी ने इस मामले में निष्पक्ष जांच के बाद आरोपी पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है। यूपी के जालौन में सेंट्रल बैंक में हुई लाखों की डकैती का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसमें दो नकाबपोश लुटेरे एक के बाद एक 3 देसी बमों से धमाका कर कैश काउंटर से 5 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। डकैती की वारदात में 57 सेकंड में अंजाम दी गई। पुलिस अब सीसीटीवी के सहारे दोनों डकैतों को जल्द ही पकड़ने का दावा कर रही है। कोतवाली का फोर्स लगेगा, पूरे सर्किल का फोर्स लगेगा, पूरे जिले का फोर्स लगेगा, जितनी फोर्स की जरूरत होगी फोर्स की कोई कमी नहीं है। बस मेन चीज है कि इसमें इंटेलिजेंस स्पेसिफिक इंटेलिजेंस गैदर करने की बात है, किन लोगों ने घटना किया है। पंजाब के अमृतसर में एक बस ड्राइवर को साइड नहीं देने पर गोली मार दी गई। गोली मारने वाला कार सवार बदमाश बस ड्राइवर को गोली मारकर फरार हो गया। गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हुए बस ड्राइवर का अमृतसर के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और जल्द ही आरोपी को पकड़ने का दावा कर रही है। बिहार के गोपालगंज में पुलिस ने अवैध शराब से भरे हुए 2 ट्रक पकड़े हैं। एक ट्रक में शराब की 173 पेटियां यूपी से आ रहे डाक पार्सल के कंटेनर में छिपाई गई थी, तो दूसरे ट्रक में प्लास के भीतर शराब की 198 पेटियां छिपा कर रखी गई थी। पुलिस ने दोनों ट्रकों की शराब तो जब्त कर ली, लेकिन दोनों ड्राइवर फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि इस अवैध शराब की सप्लाई कहां होनी थी। बिहार के गया में बेखौफ बदमाश ने एक दवा कारोबारी पर फायरिंग कर दी। फायरिंग में दुकान पर बैठा कारोबारी बाल बाल बच गया। कारोबारी के मुताबिक रंगदारी नहीं देने पर यह फायरिंग की गई है। फायरिंग की ये वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है। राजस्थान के बूंदी में एक महिला से ब्लैकमेल कर रेप की वारदात सामने आई है। पीड़ित के मुताबिक आरोपी उससे कई महीनों से लगातार रेप कर रहा था। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर केस दर्ज कर फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में पुलिस ने अवैध विस्फोटकों से भरा एक ट्रक पकड़ा है। एमपी के नीमच से आ रहे ट्रक में पुलिस ने अमोनियम नाइट्रेट को बरामद किया। पुलिस ने ट्रक के साथ 2 लोगों को भी पकड़ा, जिनसे पूछताछ जारी है। एमपी के छतरपुर में एक युवक को बाइक सवार 2 बदमाशों ने गोली मार दी। गोली लगने से घायल हुए युवक का अस्पताल में इलाज चल रहा है। घायल युवक की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है।